वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, माय नेम इज लोकेश नागर एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल में। देखते हैं आज 22 अक्टूबर के करंट अफेयर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल। ये जो पुरस्कार है ये मनाया गया है पुलिस स्मारक दिवस के लिए मनाया गया है, जो कि 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि जब यह दिवस मनाया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक स्मारक बनाने की घोषणा करी। उस स्मारक का क्या नाम है? उस स्मारक का नाम है राष्ट्रीय पुलिस स्मारक। ये उन लोगों की याद में दिया गया है जो अभी तक हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक शहीद हुए हैं। और कितने शहीद हो चुके हैं तब अब से लेकर तब तक? तो हुए हैं 34,844 पुलिस अभी तक शहीद हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी इस स्मारक के लिए इसकी जो क्या है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है, तो इसकी क्वालिटीज़ देखते हैं कि जो स्मारक है ये 30 फीट का है और एक ग्रेनाइट का एक कंप्लीट पत्थर है। ठीक है, और इसके जो इसका जो वेट है, वजन है, वो है 238 टन इसका पूरा वेट है। ठीक है, और इसके बीच में एक 30 फीट लंबी एक नदी का डायग्राम बना हुआ है, जिसका मतलब है कि जो पुलिस की पुलिस जो हमारी जो पुलिस है वो हमारी सेवा के लिए हमेशा लगी रहती है, तत्पर रहती है, हमेशा हमारी सेवा के लिए काम करते रहते हैं। ठीक है, देखते हैं उसका डायग्राम कैसा है, कैसा वो स्मारक है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, चित्र में देख सकते हो कि कैसा वो स्मारक है जिसका अभी नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और इस स्मारक को पुलिस को समर्पित किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है स्वतंत्रता संग्राम संगठन की जो बैठक है, 75वीं बैठक। ये जो बैठक है कौन से स्वतंत्रता संग्राम की है? ठीक है, तो 75वीं जो बैठक हुई है 21 तारीख को, वो कौन सा स्वतंत्रता संग्राम है? तो स्वतंत्रता संग्राम है आज़ाद हिंद फौज। जो आज़ाद हिंद फौज थी जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, तो उसके लिए इसको मनाया जा रहा है, जिसकी ये 75वीं बैठक है। ठीक है, बात करें कि इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो सबसे पहले इसकी स्थापना करी गई थी 1942 में मोहन सिंह के द्वारा करी गई थी, लेकिन इसको रीयूनिट किया गया था, वापस इसको बनाया गया था 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और 21 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, तो इस वजह से इसको 21 अक्टूबर को मनाते हैं, जो कि 75वीं बैठक है। ठीक है, और इस पर जो नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ध्वजारोहण भी किया है, 75वीं वर्षगांठ जो मनाई है वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण भी किया है। ठीक है, जो स्वतंत्रता संग्राम की जो 75वीं बैठक मनाई है आज़ादी भोज फौज के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है हस्ताक्षर संधि। जो ये हस्ताक्षर संधि है क्या है? ठीक है, तो इसको अच्छे से बताता हूँ कि रूस के साथ किस एक हस्ताक्षर संधि है जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वापस लेने की घोषणा करी है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने जो रूस के साथ जो हस्ताक्षर संधि की गई थी उसको वापस ले लिया है। तो कौन सी संधि है, उस इस संधि का नाम हमें पता होना चाहिए। उस संधि का नाम है इंटरमीडिएट रेंज परमाणु फोर्स संधि, जिसको 1987 में किया गया था, जिसको अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया, वापस ले लिया है। ठीक है, तो देखते हैं रूस के बारे में। ये रूस का आप डायग्राम देख सकते हो कि कहाँ पर वर्ल्ड में कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और वहाँ की राजधानी है मॉस्को, और रूस की जो मुद्रा है वो है रूबल, तथा प्राइम मिनिस्टर है रूस के, वो है दिमित्री मेदवेदेव, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, देखते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका को सभी जानते हैं, अमेरिका की जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है, और वहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर सभी जानते हैं, और वहाँ के राष्ट्रपति को तो सभी जानते हैं, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य तो कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। यह है एक विमानवाहक फोर्स है, विमानवाहक एक यान है जिसका जो दूसरी मरम्मत की गई है। तो दूसरी मरम्मत कहाँ पे की गई है हमें पता होना चाहिए। इसकी जो मरम्मत हुई है दूसरी जो रिफिट हुआ है, ये रिफिट हुआ है कहाँ पे हुआ है? रिफिट ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है। दूसरी बार यहाँ पर हुआ है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में, पहली बार जो रिफिट हुआ थी इसकी मरम्मत हुई थी वो भी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में ही हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं, ये है INS विक्रमादित्य। ठीक है, इसको 2013 में रूस से लिया गया था। जब रूस से लिया था इसका नाम क्या था? इसका नाम था एडमिरल ग्लोस्कोव, इसका नाम था, जो कि 2013 में भारत ने इसको खरीद लिया था। ठीक है, तो कितने में खरीदा था? तो $2.35 बिलियन में इसको भारत ने खरीदा था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है कोप इंडिया। सब जानते हैं कोप इंडिया का एक एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच एक युद्धाभ्यास है, एक युद्धाभ्यास था जिसको त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास में बदल दिया है। वो कौन सा युद्धाभ्यास है? वो युद्धाभ्यास ही है कोप इंडिया, जो युद्धाभ्यास है इसी को त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास में बदल दिया है। ठीक है, त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास में बदल दिया है। ठीक है,
जो कोप इंडिया है 2004 में शुरू हुआ था, ठीक है, और अभी 2018 में इसकी 2018 दिसंबर में इसका अभ्यास होगा वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे होगा? पश्चिम बंगाल में इसका अभ्यास होगा। तो त्रिपक्षीय हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें है ना इंडिया और अमेरिका तो था ही, साथ में रूस भी जुड़ गया इसमें, तो इसलिए ये युद्धाभ्यास से बदल कर त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास हो गया, क्योंकि इसमें रूस भी जुड़ गया है, ठीक है। अब युद्धाभ्यास की बात हुई है तो हमें पता होना चाहिए कि जो एक युद्धाभ्यास होता है मालाबार, तो इसमें कौन कौन से देश होते हैं? इसमें इंडिया होता है, यूएसए होता है तथा जापान। तो मालाबार में यूएसए, इंडिया और जापान होता है। एक इंद्र करके है एक युद्धाभ्यास, इसमें होता है कौन? एक तो इंडिया होता है और एक रूस होता है, ठीक है। और एक बात करते हैं, फ्रांस के साथ भी कुछ सैन्याभ्यास होते हैं। तो फ्रांस के साथ होता है वरुण, एक होता है शक्ति और एक होता है गरुड़। तो गरुड़ होता है वायु सेना के लिए, शक्ति होता है थल सेना के लिए, और वरुण होता है जल सेना के लिए, ठीक है। ये तीनों ही फ्रांस के साथ होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। अभी विजय हजारे ट्रॉफी सभी जानते हैं किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है। और अभी किसने जीता है इसको? तो किसने जीता है? मुंबई ने इसको जीता है। और कौन सी बार जीता है? मुंबई ने तीसरी बार इस विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है, ठीक है। और किसको हरा कर जीता है? अभी उसमें पता होना चाहिए किसको हराया है, दिल्ली को हराया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है पहला गर्भाशय प्रत्यारोपण बच्चा। तो पहला गर्भाशय प्रत्यारोपण बच्चा है, कहाँ पर हुआ है ये हमें पता होना चाहिए। कहाँ पर हुआ है ये? पुणे में हुआ है। कहाँ पे? पुणे में, जो अक्टूबर में भी 2018 में जो भारत का पहला गर्भाशय प्रत्यारोपण बच्चा हुआ है वो कहाँ हुआ है? पुणे शहर में हुआ है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन संबंधित है, ये है हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, इनसे ये संबंधित है, ठीक है। अब कैसे संबंधित है इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि जो इनके इनके नाम पर क्या है, चार हिमालय चोटियों के नाम रखे गए हैं। इनके नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर चार हिमालय चोटियों के नाम रखे गए हैं। और कहाँ पर रखे गए? ये उत्तरकाशी जिला है गंगोत्री ग्लेशियर के पास। कहाँ पर? उत्तरकाशी जिला है गंगोत्री ग्लेशियर के पास, वहाँ पर चार हिमालय चोटियों के नाम रखे गए। और उनका नाम क्या रखा गया है? अटल वन, अटल टू, अटल थ्री और अटल फोर, इनके नाम रखे गए हैं, ठीक है। और कुछ और जगह हैं जहाँ पर अटल जी के नाम पे कुछ जगह को नाम रखा गया है, और अन्य वो दूसरी जगह है कौन कौन सी है, उन जगह का नाम है। गुजरात में है एक साबरमती घाट जिसको अटल घाट बना दिया गया, साबरमती घाट को अटल घाट बना दिया गुजरात में। और साथ में छत्तीसगढ़ जो नया रायपुर जो नाम था उसको अटल नगर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में नया रायपुर जो नाम था उसको अटल नगर कर दिया गया, ठीक है। तो बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में जो साबरमती घाट था उसको अटल घाट बनाया है। तो गुजरात के राज्य की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं, ठीक है। बात करें वहाँ के गवर्नर कौन है, तो वहाँ के गवर्नर ओम प्रकाश कोहली। और वहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपाणी वहाँ के सीएम है गुजरात के। गुजरात का एरिया भी हमें पता होना, क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 1,96,024 वहाँ का क्षेत्रफल है, जो कि किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर गुजरात का क्षेत्रफल है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का डायग्राम आप देख सकते हैं मैप में, छत्तीसगढ़ कहाँ है अपने भारत में। तो इसकी राजधानी की बात करते हैं, इसकी राजधानी है रायपुर। यहाँ पर कितने जिले हैं? यहाँ पर 27 जिले हैं। यहाँ पर गवर्नर भी नई बनी है, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, ठीक है, जो मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। लेकिन यहाँ पर पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे? वो बलराम दास टंडन यहाँ के गवर्नर थे, जिनकी देहांत हो चुका है, अगस्त में इनका देहांत हो गया है। तो इनकी जगह पर आनंदीबेन पटेल को यहाँ पर गवर्नर बनाया गया है। बात करें चीफ मिनिस्टर सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री रमन सिंह। और बात करें छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, एरिया कितना है, तो एरिया है 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। तो ये हो गए अपने 22 तारीख के करंट अफेयर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में जो अपने किसी भी जो दोस्तों जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके कॉन्टेक्ट्स में, उनके साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो अपने चैनल से जुड़ सके। आप चैनल को पूरा चेक करें, मैं यहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, तो इंग्लिश अपने जीरो से स्टार्ट करें। जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती वो अच्छे से पढ़ सकता है, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, बिल्कुल हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।